चार राज्यों की 16 राज्यसभा सीटों पर आज चुनाव है। 41 सदस्य निर्विरोध चुने गए। अपने विधायकों को बचाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। होटल रिजॉर्ट में रखे गए हैं विधायक। महाराष्ट्र में देर रात तक शरद पवार के घर मंथन। शिवसेना की दूसरी सीट को लेकर संशय, लेकिन AIMIM के समर्थन से जागी उम्मीद। राजस्थान में कांग्रेस के विधायक उदयपुर के रिजॉर्ट से जयपुर के लीला पैलेस पहुंचे। आमेर तहसील में नेट बंद है। हरियाणा के कांग्रेस विधायक रायपुर के रिजॉर्ट से मोहाली पहुंचे। एक सीट पर यहां दिलचस्प मुकाबला है। राजस्थान में कांग्रेस के लिए तीसरी सीट अहम। 3 वोट इधर उधर होने पर पार्टी की हो सकती है किरकिरी। हरियाणा में भी कांग्रेस मुश्किल नंबर गेम में उलझी। कांग्रेस के 31 में से 30 वोट मिले तभी जीतेंगे अजय माकन। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीटों पर चुनाव, फंस रही है शिवसेना की 1 सीट। हरियाणा में 2 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव आज। कार्तिकेय शर्मा को समर्थन देकर बीजेपी ने बनाया मुकाबले को दिलचस्प। कर्नाटक में राज्यसभा की 4 सीटों पर चुनाव, बीजेपी की झोली में जाएंगी 3 सीटें। दिल्ली पुलिस ने भड़काऊ बयान को लेकर दर्ज की है 2 FIR। पहले में नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल का नाम, तो दूसरे में असदुद्दीन ओवैसी समेत 32 लोगों पर केस दर्ज। FIR को लेकर ओवैसी ने दिल्ली पुलिस पर साधा निशाना, कहा बैलेंस वाद के रोग का शिकार हो रहे हैं। नुपुर शर्मा ओवैसी के खिलाफ FIR को बीजेपी ने बताया जायज, कहा हर एक धर्म के सम्मान करना चाहिए। भड़काऊ बयान देने वालों पर FIR को लेकर कांग्रेस ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा यह काम तो पहले ही हो जाना चाहिए था। विवादित बयान को लेकर दूसरे देशों की प्रतिक्रिया पर MEA का जवाब, कहा किसी के निजी विचार से सरकार का कोई लेना देना नहीं। सलमान खान को धमकी देने के पीछे लॉरेंस बिश्नोई का हाथ। विक्रमजीत सिंह बराड़ लेकर गया था धमकी वाली चिट्ठी। बराड़ कभी राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल का था करीबी, बाद में लॉरेंस गैंग से जुड़ा। कैनेडा भाग चुका है विक्रम बराड़। गैंगस्टर सौरभ महाकाल ने मुंबई पुलिस के सामने उगला सच। गोल्डी बराड़ के लिए इंटरपोल ने जारी किया रेड कॉर्नर नोटिस। गोल्डी ने ली थी मूसेवाला के कत्ल की जिम्मेदारी। सिद्धू मूसेवाला कत्ल मामले, बठिंडा में SIT की मीटिंग, जांच रिपोर्ट की हुई समीक्षा। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा मामले में 2 नए वीडियो सामने आए हैं। तलवार लहराते नजर आए हैं उपद्रवी। उपद्रवियों के हाथों में दिखाई पड़े लाठी डंडे तलवारें, पुलिस के हाथ लगे हैं ऐसे 23 वीडियो जिनको आधार बनाकर पुलिस कार्रवाई कर रही है। CCTV वीडियो और सोशल मीडिया के जरिए मिले वीडियो को आधार बनाकर गिरफ्तारी हो रही है। चार्जशीट में भी इन्हें एविडेंस के तौर पर रखा गया। दिल्ली के सुभाष नगर में खौफनाक हादसा, ब्रीजा ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। CCTV में कैद हुई है हादसे की तस्वीरें। कार से टक्कर के बाद बाइक की क्षतिग्रस्त हुई है, उलझकर दूर गिरा बाइक सवार।